सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सूरज के क्लासेस को एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज की क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो रिक्रूटमेंट आई हुई है उसके बारे में। दोस्तों इससे पहले कि हम इस रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट को अनबॉक्स करें, इसके पूरी कंटेंट की डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सूरज के क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना इसी तरह के लेटेस्ट जॉब अपडेट्स लाता रहता हूँ, जिससे कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। दोस्तों चलिए आइए अब शुरू करते हैं कि इस रिक्रूटमेंट में है क्या। सबसे पहली चीज़ यहाँ मेंशन की है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स थ्रू गेट 2018। तो गेट 2018 का रिजल्ट आ चुका है, आपका स्कोर उसमें आ चुका है, आपके मार्क्स वहाँ आपको पता चल गए हैं, तो उसी के बेस पे ये रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर हम देखें तो एआई की कुछ यहाँ पर जानकारी दी गई है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है। तो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर मुझे लगी वो मैंने हाईलाइट कर दी है, एआई हैज़ बीन कन्फर्ड विद द मिनी रत्ना कैटेगरी वन स्टेटस। तो एआई को मिनी रत्ना का कैटेगरी वन स्टेटस यहाँ पर मिला हुआ है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो यहाँ पोस्ट है चार यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी के लिए, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो इंजीनियरिंग ब्रांच सिविल के लिए यहाँ पर हम देखें तो 100 वैकेंसीज टोटल हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए भी 100 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर दोस्तों 330 वैकेंसीज आई हुई हैं, जो एक काफ़ी अच्छा और बड़ा नंबर है इन सभी वैकेंसीज के कंपेरिजन में। आर्किटेक्चर वालों के लिए 12 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर डबल स्टार जो किया गया है उसका मतलब यहाँ पर समझा दिया है, इसका मतलब ये होता है कि इंक्लूड्स 2 वैकेंसीज फॉर PWD, 1 फॉर OH, 1 LAC, 1 HH पार्शियली डेफ। बाकी कुछ जनरल बातें हैं जो आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में पढ़ लीजिएगा, इसमें कहाँ से कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट पर जाना है आपको, वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिस पर आप जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल के लिए फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन सिविल मिनिमम 60% मार्क्स, रिकॉग्नाइज्ड डीम यूनिवर्सिटी और एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, IIT रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हैविंग क्वालिफाइंग गेट नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑन गेट स्कोर कार्ड फॉर द ईयर 2018। तो यहाँ पर कुछ जनरल बातें बताई हैं, जैसे कि आपके फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, एक कंडीशन ये रखी है आपके 60% मार्क्स होने चाहिए उसमें, उसके साथ आपका गेट में क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। यहाँ पर गेट ब्रांच जो है वो सिविल और CE से आपका जो गेट का पेपर आपने अटेम्प्ट किया है वो होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम कंडीशन है, 60% मार्क्स है और गेट का क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, और यहाँ पर गेट का पेपर बताया गया है इलेक्ट्रिकल EEE का होना चाहिए। इसके साथ आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है उसमें भी ऑलमोस्ट सेम कंडीशन है, 60% मार्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल विथ स्पेशलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन के लिए, और कौन सा गेट पेपर है वो भी यहाँ पर मेंशन किया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर के लिए फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर एंड रजिस्टर्ड विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर आर्किटेक्चर के लिए कोई कंडीशन नहीं रखी गई है कितने परसेंटेज मार्क्स हो या फिर दूसरी जो कंडीशन है, सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर आर्किटेक्चर के लिए मांगी है, फुल टाइम बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर एंड रजिस्टर्ड विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये एक कंडीशन सिर्फ आर्किटेक्चर वालों के लिए, जो एक गुड न्यूज की तरह है, और AR से आपका गेट पेपर यहाँ पर होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में मुझे जो इम्पॉर्टेंट लगी वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग पार्ट टाइम और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन सच AMIE सर्टिफिकेट शैल नॉट बी कंसीडर्ड। तो अगर आपने पार्ट टाइम किया है, डिस्टेंस लर्निंग किया है, AMIE जो क्वालिफिकेशन है सर्टिफिकेट है वो कंसीडर यहाँ पर नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स मस्ट स्पेसिफिकली इंडिकेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड। तो यहाँ पर कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैसे ऑब्टेंड किए हैं, आपके अगर CGPI, CPI, DGPA, OGPA सिस्टम है तो आपका अगर परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके सर्टिफिकेट में मेंशन कर दिया है तो एक काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, अगर नहीं किया है तो आपको पता होना चाहिए उसे कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो वो सारी
यहाँ पर चीजें बताई गई हैं उनकी कंडीशन। द सेम शैल बी कन्वर्टेड इन टू परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन नॉर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी इन दिस रिगार्ड। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। राउंडिंग ऑफ दोस्तों यहाँ पर अलाउड नहीं है। अगर 60% कंडीशन है तो 59.99% को भी 60% की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया। ओनली द कैंडिडेट्स विद क्वालिफाइंग गेट नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑन गेट स्कोर कार्ड विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल इलेक्ट्रिकल जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर। द डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट इश्यूएंस ऑफ मार्क्सिट शैल बी डीम्ड टू बी डेट ऑफ acquiring the qualification and there shall be no relaxation on this account. No experience is essential to apply for the above posts. Experience यहाँ पर नहीं मांगा गया है, जो एक अच्छी बात है। Date of declaration of result और marksheet की भी date के बारे में यहाँ पर कुछ instruction दी गई है, आप यहाँ पर सारी जानकारी ले सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 27 ईयर से ज़्यादा की एज आपकी नहीं होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व्ड यू आर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। 30 इयर्स का तक का रिलैक्सेशन है ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए। वहीं पर 5 साल का मतलब 32 इयर्स तक का आपको यहाँ पर एज का एक क्राइटेरिया दिया जा रहा है। इसी के अलावा एक्स सर्विसमैन और दूसरी कैटेगरी डोमिसाइल्ड जम्मू कश्मीर के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ गेट नॉर्मलाइज्ड मार्क्स विल बी कॉल्ड डायरेक्टली फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विच विल बी हेल्ड एट कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स एट न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर गेट नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेस पे यहाँ पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, जो मेरिट बनेगा उस पर डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। कोई भी दूसरी स्टेज नहीं है यहाँ पर, आप ध्यान में रख सकते हो इस बात को। कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्किंग इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये एक तो नॉर्मल बात है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो उस जॉब से इस जॉब पर आने के लिए आपको एक नो ऑब्जेक्शन, जिसे कहते हैं NOC, सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करा के दिखाना पड़ेगा। कॉल लेटर्स फॉर अपियरिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स एट दियर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो जो कॉल लेटर है वो कैंडिडेट को रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तब आपको जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रोड्यूस कर जितने भी है उन्हें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको दिखाना होगा, जिससे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सके। ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेल बी मेड सॉरी विल बी मेड एज पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द गेट नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट्स। तो सेलेक्शन जो होगा वो आपके गेट नॉर्मलाइज्ड जो मार्क्स है उसके बेस पर है। अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ वेरियस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग एज क्वालिफिकेशन कास्ट एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अब चलिए आइए स्केल ऑफ पे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सैलरी कितनी मिल जाएगी आपको। 40,000 यहाँ पर स्केल ऑफ पे लिखा है 3% एंड 1,40,000 E1। तो इमोल्यूमेंट्स इन एडिशन टू बेसिक पे इंक्रीमेंट ऑफ 3% ऑफ बेसिक पे पर एनम। यहाँ पर अलावेंस की बात करें तो डियरनेस अलावेंस पर्क्स 30% ऑफ बेसिक पे HRA एंड अदर बेनिफिट्स विच इंक्लूड CPF ग्रेचुअरिटी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मेडिकल बेनिफिट्स यूनिफॉर्म अलावेंस आर एडमिसिबल एज पर AAI रूल्स। द कॉस्ट ऑफ कंपनी पर एनम वुड बी अराउंड ₹9.1 लाख अप्रॉक्सीमेटली फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव रिस्पेक्टिवली। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो कॉस्ट ऑफ कंपनी पर एनम है वो 9.1 लाख अप्रॉक्सीमेटली होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स बात कर लें तो जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है दोस्तों आज होती है तारीख जैसे कि 19, तो इसका अभी एप्लीकेशन ओपनिंग होना बाकी है। 28 मार्च से एप्लीकेशन ओपनिंग होगा, लेकिन एडवांस में आप तैयारी रखिए, जैसे ही ओपनिंग होता है आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 अप्रैल है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन भी 2 मई है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें।
तो यहाँ पर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल www.aai.aero अंडर द टैब कैरियर्स, नो अदर मीन्स मोड ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो ये जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिस पर जाके आप कैरियर्स में जाके अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट शुड हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, तो जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर अप्लाई करते टाइम आप प्रोवाइड कर रहे हो, उस ईमेल आईडी को आप थ्रू आउट जब तक सेलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है आपको ऑन रखना है, जैसे किसी भी जानकारी को एआई आपसे शेयर करना चाहता है, आपको कांटेक्ट करना चाहता है तो आपको कांटेक्ट किया जा सके। हियर आर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स विद परसेंटेज मार्क रेट को का एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन फिलिंग अप है जो एप्लीकेशन का, वो करने से पहले आपको ये सारी जो जानकारी मैंने यहाँ हाईलाइट की है आपको अपने पास रखनी है, जैसे कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जितना जल्दी हो सके कर सके, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत ना आए एप्लीकेशन करते टाइम। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी 300 रुपीज़ है, कैंडिडेट्स को ऑनलाइन मोड से ही आपको पे करना है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फ़ी का एक्सेम्पशन दिया गया है, कोई फ़ी उन्हें पे नहीं करनी है, और जो मेल कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में उन्हें 300 रुपीज़ यहाँ पे करने हैं। द एप्लीकेशन फॉर्म इंटीग्रेट विद द पेमेंट गेटवे एंड पेमेंट प्रोसेस कैन बी कम्प्लीटेड बाई फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर जो ऑनलाइन फी पेमेंट करना वो इंटरनेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड से ही पे किया जा सकता है। और ये आपका फ्रॉम स्टेट बैंक कलेक्ट सिस्टम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10G ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर स्टार्टिंग विद DU इज जनरेटेड बाय द सिस्टम ऑन सक्सेसफुल पेमेंट। इट इज टू बी नोटेड एंड रिटेन्ड फॉर फर्दर रेफरेंसेस। तो यहाँ पर जो आप पे कर दोगे फीस, उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा जो DU से स्टार्ट होगा, उस रेफरेंस नंबर को आपको रखना है आगे फ्यूचर प्रेफरेंसेस के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्लिक ऑन मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑन क्लिकिंग ऑफ लिंक कैंडिडेट्स विल बी नेविगेटेड टू स्टेट बैंक कलेक्ट पेज। तो यहाँ पर कुछ जनरल चीज़ें हैं, आप कैसे अप्लाई करेंगे दे दी गई हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इसे आप पूरा डिटेल में देख सकेंगे इस एडवर्टाइजमेंट को आप, और नेक्स्ट स्क्रीन पर क्या क्या आएगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कि डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट नंबर, मोबाइल नंबर, पोस्ट अप्लाइड, ईमेल आईडी, एग्जाम फीस, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। इट इज एडवाइस टू कीप इट विद देम फॉर फ्यूचर प्रेफरेंसेस, फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ रिगार्डिंग स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसा कि आप देख, फोटोग्राफ इमेज का क्या साइज होना चाहिए और कितना कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, वो सारी जो एक फॉर्मेट की जानकारी है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, उसका सिग्नेचर के फॉर्मेट की जानकारी, बैकग्राउंड भी आपका चेक यहाँ पर किया जाएगा, आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कराना है, एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, यहाँ पर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट फॉल्स नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी गई हैं जो आप पढ़ सकते हो। अब फटाफट हम आ जाते हैं इसके, द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स शैल हैव टू एग्जीक्यूट सिक्योरिटी बॉन्ड ऑफ ₹5 लाख। तो जो कैंडिडेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स जूनियर एग्जीक्यूटिव में अप्लाई कर रहे हैं उन्हें सिक्योरिटी बॉन्ड 5 लाख का यहाँ पर रखा गया है उनके लिए। नो करस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेड फ्रॉम द कैंडिडेट फाउंड इनएलिजिबल एंड नॉट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फॉर नॉन सेलेक्शन। तो यहाँ पर कोई करस्पॉन्डेंस नहीं माना जाएगा कैंडिडेट का कि अगर वो एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाता है, तो कोई करस्पॉन्डेंस वहाँ नहीं चलेगा। तो बस दोस्तों, आई थिंक इस एडवर्टाइजमेंट में इतना ही है, 7 पेज का एडवर्टाइजमेंट है और हमने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन्हें कवर किया है पूरी कोशिश की। इसके अलावा भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके साथ आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के लेटेस्ट जॉब अपडेट्स लाते रहते हैं जिससे आप किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि आपके दोस्तों में, आपके फैमिली में, और जहाँ जिसे भी ज़रूरत है
जॉब की और जो अप्लाई करना चाहते हैं उन कैंडिडेट्स को एक अच्छी सी हेल्प हो जाए। दोस्तों बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।